सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो में एक बाघिन अपने शावक को मुंह में पकड़कर घूम रही है। वायरल वीडियो को देखने से लग रहा है कि शावक का जन्म एक दो दिन पहले ही हुआ है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि नाजुक शावक को बाघिन मुंह से पकड़कर क्यों घूम रही है। कहा जाता है कि शावक कुछ हफ्ते बाद पूर्ण रूप से देखने लगते हैं। जब तक शावक नहीं देख पाते तब तक माँ बहुत सुरक्षात्मक और गुप्त होने के कारण उन्हें साथ लेकर चलती रहती हैं। तीन चार शावकों के छोटे साइज होने से माँ के लिए यह काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जंगल के ट्रैक कैमरे में यह दृश्य कैद हुआ है। बाघिन अपने बच्चों को लेकर काफी सजग होती हैं। शावक जब देखने और चलने लगते हैं तब भी वह माँ की छाया में ही रहते हैं। बाघिन ही अपने शावकों को जंगल में शिकार की ट्रेनिंग देती है। एमपी के टाइगर रिजर्व पार्कों से अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जब बाघिन अपने बच्चों को शिकार करना सिखा रही होती है। तीन चार महीने तक शावक अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व से एक वीडियो सामने आया है। इसमें कोला वाली बाघिन अपने चार शावकों के साथ घूम रही है। तो उसका ही बच्चा है ना ये मुख में।